जब लाभ प्राप्त होगा तो अनायास से उसके आप अधिकारी बन गए। इस विधियों के साथ निमित्त विधि में जब आप सम्मिलित होगे तब आपका जो भी फल है, जो भी फूल है, जो भी भावना है वो ईश्वर को समर्पित हो जाए। जब तक ऐसे विधियों में सम्मिलित होने के बाद हम जो भी विधि करेंगे तब उसका लाभ ज्यादातर आनंददायी होगा और कर्मों का नाश तो इनके साथ होने होना है। यहां जैसे बैठते बैठते आप इंद्रियों की, मन की, सबकी इंद्रियों का निरोध स्वयं करते हुए या बैठे हो, इसके लिए आपको भी इसका लाभ जरूरी मिलना ही मिलना है। इसीलिए परमेश्वर आरती के साथ मार्गा की प्रीति हुआ, मार्ग की परम प्रीति होनी चाहिए। और जब मार्ग की परम प्रीति हो तब ही हमारी कर्मों की नाश और योग्यता होती है। जब तक ये परम प्रीति नहीं बनेगी तब तक हमारा कर्मों का नाश और साधन चरित्र की योग्यता नहीं बनेगी। आमतौर पर ये परम प्रीति कोई एक तरीके से आपको नहीं प्राप्त होगी, इसके लिए काफी कुछ समझना पड़ता है, झेलना भी पड़ता है, तब वो हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। मार्गाची प्रीति वह, ये मार्ग यानी कि काफी बड़ा मार्ग बोला गया, हमें तो एक ही मार्ग पता है, जैसे आश्रम में गए तो ये मार्ग होता है या रास्ता, उसको मार्ग कहते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र ने कहा है मार्ग यानी कि नामधारक से लेके, नामधारक है वेदवंत है, बोधवंत है, अनुसरला है, ज्ञानी है, भक्त है, कोई सेवा करने वाला है, कोई कार्य कुशल है, कोई अन्नदान करने वाला है, कोई किसी की सहायता करने वाला है, ये इतना बड़ा मार्ग है, इसमें हर कोई अधिकार का पात्र है। और जब ये सब इकट्ठे जब मिलते हैं तब हम ईश्वर को पाते हैं। कहता है कि बहुते मिलती एकत्र यहां सब अधिकार के जब पात्र इकट्ठे मिलेंगे उसको मार्ग कहते हैं। और जब ये मार्ग की प्रीति बन जाती है तब ही हम परमेश्वर की कृपा पात्र बन जाते हैं। परमेश्वर की कृपा पात्र बनने के लिए ये आसान सुविधा हमारे पास है कि जब हम मार्ग के प्रीति के साथ जुड़ जाते हैं तो अनायास ही कृपा, ईश्वर की कृपा पात्र भी बन जाते हैं। इसलिए मार्गा की प्रीति हुआ, ये पर पूरा पर मार्ग है, उस मार्ग के प्रति परम प्रीति होनी चाहिए। जो भी ईश्वर के मार्ग का चलने वाला साधक है, चाहे वो किस अवस्था का भी तो न हो, उसके साथ जब परम प्रीति बोल जाती है, परम प्रीति किसको कहते हैं, हित निरत उसको बोला जाता है परम प्रीति। प्रीति और परम प्रीति आमतौर पर प्रीति तो होती है अपने सगे संबंधियों के साथ, बीवी बच्चों के साथ प्रीति तो होती है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, परम प्रीति होनी चाहिए। ये परम प्रीति का कार्य जब तक नहीं बनता है तब तक हमारा कार्य ईश्वर से जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मार्गा की प्रीति हुआ भी, इस मार्ग की परम प्रीति के लिए ही संविधान में पहले ईश्वर बोला गया है, असंविधान में पहले परमार्ग बोला गया। संविधान में परमेश्वर के साथ जब तक परम प्रीति नहीं बनेगी तब तक उसका आनंद नहीं आएगा। गोविंद प्रभु बाबा जी रिद्धपुर में रहते थे और रिद्धपुर में होने के बाद आपने सुना होगा कि रिद्धपुर में काफी साल तक, यानी 125 साल तक रिद्धपुर में श्री प्रभु बाबा जी राज्य करते थे। पूरे जीवन में उनके लीला कार्य में उनसे कोई ना तो रूठा था ना तो कोई प्रतिकूल बन गया था, उनके साथ सब अनुकूल ही अनुकूल थे। चाहे उनसे कुछ किसी को मार भी दिया तो प्रसाद के रूप में वो समझ जाता था, किसी को डांट दिया वो भी प्रसाद के रूप में समझ जाते थे, कोई प्रतिकूल नहीं था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ
कि स्वामी जी की ओर से ही, श्री प्रभु बाबा जी की ओर से ही, श्री प्रभु बाबा जी ने ऐसे कुछ लीला की जिसके कारण रिद्धपुर के लोग सब बिगड़ गए, ऐसा ही कुछ पर्व काल था, नवरात्रि ही थे और उस नवरात्रि में उधर महाराष्ट्र में घट स्थापना की जाती है। इधर की जाती मुझे पता नहीं, लेकिन वहां उधर की पद्धति है, वो नवरात्रि उत्सव में घट कार्य कुछ होता है, उसमें कुछ अन्य की कुछ विधि होती है। तो आमतौर पर लोगों ने सोचा कि भाई इधर उधर करने के बजाय यहाँ रिद्धपुर के राजमठ के वहां ही करें। तो उन्होंने स्वामी जी की ना तो राय ली, ना तो किसी को पूछा, बस उन्होंने सोचा ये यहीं करेंगे और जहां श्री प्रभु बाबा जी रहते थे उसी घुनचमड़ में श्री प्रभु बाबा जी के राजमठ के परिक्रमा की उन्होंने उसकी स्थापना की। श्री प्रभु बाबा जी कहां बाहर गए होते, आए जहां से देखा उन्होंने कि यहाँ सब ब्राह्मणों ने कुछ नवरात्रि उत्सव का यहाँ प्रबंध किया हुआ है, उन्होंने एक ब्राह्मण को वहां बिठाया था, वो पूजा पाठ कर रहा था और उनसे कहा था कि यहाँ देखो ख्याल रखो, श्री प्रभु बाबा जी आए वो कोई हाथ भी लगाने से काम बिगड़ेगा तो आप ख्याल रखो। जैसे श्री प्रभु बाबा जी आए उन्होंने क्या किया, उसको देखा उनका सब स्वस्थता भंग होगी, उन्होंने कहा कि ये किसने किया मेरे पूजे बगैर, बस जड़ से उसने बोलने के बजाय बस उसको सबको विध्वंस कर दिया, सबको विध्वंसित किया। बंद हो गया, नहीं चल। तो श्री प्रभु बाबा जी ने ऐसा कुछ कार्य किया जिसके कारण सब प्रतिकूल बन गए। मैं इस लीला को इसलिए सुना रहा हूं कि ये ईश्वर के साथ हमारा इतना कुछ ऐसा श्रद्धा भक्ति के साथ विश्वास होना चाहिए, चाहे वो गलत करे या सही करे, जो भी करना है हमारे हित की भावना करना है, ये मन में जब तक हम नहीं निश्चित कर देते हैं तब तक उसकी परम प्रीति की बात नहीं बनेगी। बस ऐसा ही कुछ होया, सब गांव के लोग भक्तजनों के ऊपर कोसने लगे, बोलने लगे कि भाई हमारे श्री प्रभु बाबा जी तो पहले कुछ अच्छे थे, इनकी वजह से काम बिगड़ गया। पहले तो हमारे श्री प्रभु बाबा जी बहुत अच्छे थे, जब से ये गंगातीर के स्वामी श्री चक्रधर जी के भक्ति आए उनके बाद उनके प्रवृत्ति में कुछ बदलाव हो गया। आदमी कोई भी बात हमने हमारे ऊपर नहीं लेता है, दूसरे के ऊपर माथे पर चढ़ा देता है, कुछ उनका ही उसके कार्य में हाथ था। जो श्री प्रभु बाबा जी की प्रवृत्ति थी कि बिना पूछे कुछ करना नहीं चाहिए था, और वहां श्री प्रभु बाबा जी रह रहे थे उनका फर्ज बनता था कि पहले उनसे विनती करें कि हमने कुछ यहाँ करना है, तो ना तो श्री प्रभु बाबा जी को पूछा ना तो उनकी प्रवृत्ति को जाना, जिसके कारण श्री प्रभु बाबा जी ने तो उसको फेंक दिया था। लेकिन उन्होंने अपनी बात को किसके ऊपर बोला, ये भक्तजन जिस दिन से आए तब से हमारे श्री प्रभु बाबा जी बिगड़ गए, वो कोसने लगे, डांटने लगे, सब भक्त जनता भी हैरान हो गई, अब क्या करना चाहिए। उन्होंने मीटिंग लगा के सोचा कि चलो हम यहां से बाहर जाए, रिद्धपुरी छोड़े, और सबने राय लेके साथ में एक दामूर्त नाम का देउलवाड़ा करके गांव था, वहां एक भगत था, दामूर्त उनका नाम था, उन्होंने सोचा कि चलो हम श्री प्रभु बाबा जी को वहीं लेके जाएंगे, ना रहेगा बास न बजेगी बासी, काम ही झंझट ही मिट जाएगा, इनकी नौबत खाम खा हर दिन वही सुनना है हमने, तो वहां लेके जाए। उन्होंने अपनी एक आदमी को भेजा और उनको कहा दिया कि श्री प्रभु बाबा जी आपके गांव में आने की सोच रहे तो आ सकते हैं। देखो इतना कुछ ऐसा सौभाग्य हमारे जीवन में भी आना चाहिए,
कि हमारी याद परमेश्वर ने या परमेश्वर के साधन ने किस कार्य के वश करना। जब दामूर्त के पास में ये बात आ गई तो उसने इतना आनंद के साथ अपनी भावना बोली कि मेरा सौभाग्य कि श्री प्रभु बाबा जी ने मुझे याद किया और आप सब लोगों ने मेरा ही चयन किया, मुझको ही चुना है, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ, मैं बड़ी आनंद प्रसन्नता के साथ आप सबकी सेवा करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हो रहा है तो मैं तैयार। कहने का मतलब है कि देखो दामूर्त जैसे भक्तों की याद भक्तों ने, स्वामी जी तो निर्गुण ब्रह्म थे, उनको तो कहां भी रहना है कहीं कैसे भी रहना है, उनके लिए तो कोई बात नहीं थी, लेकिन नियोजन करने वाले जो है नागदेवाचार्य जी, माही भट्ट जी, ये जितने भी भक्त थे उनमें सब भक्तों में किसकी चयन हुई, दामूर्त की चयन। काफी भगत थे लेकिन इन भक्तों ने दामूर्त का नाम आगे लिया, वो भी समझा कि मेरा सौभाग्य है। क्या हमें भी ऐसा अवसर आ सकता है कि कुछ कार्य का, कुछ सेवा का, कुछ विधि का सौभाग्य मुझे करने का आनंद मिल सकता है, मेरी याद किसी को आ सकती है? आमतौर पर कार्य के वश तो आएगी आएगी कि लेकिन धर्म कार्य में मेरी याद होना, मेरे लिए कुछ सेवा का सौभाग्य प्राप्त होना, इसको बोलते हैं मार्गाची प्रीति। ये जब तक मार्ग के साथ परम प्रीति नहीं बनेगी तब तक ये ऐसा सुयोग के अवसर नहीं प्राप्त हो सकता है। तो दामोदर जी के वहां स्वामी जी गए। मेरे कहने का मतलब है कि ये परम प्रीति किसको कहते हैं? उन्होंने दामूर्त ने स्वामी जी की आवा भगत की, बड़ी संख्या में सब पालकी वगैरह लेके दामूर्त जी रिद्धपुर में पहुंच गए, वहां से श्री प्रभु बाबा जी को लेके गए। देखो भाई अब इतनी बड़ी हस्ती थी वो, सब वहां के इलाके में उनका नाम था और दामूर्त जी श्री प्रभु बाबा जी की सेवा करने लगे। एक दिन की बात है, श्री प्रभु बाबा जी आसन पर बैठे हुए थे, काफी लोग भक्तों ने आने के बाद स्वामी जी को कुछ फल फूल नारियल चढ़ाए थे। स्वामी जी के आगे सब भक्त बैठे थे, दामूर्त भी बैठे थे, दामूर्त सामने बैठे हुए थे और श्री प्रभु बाबा जी उनके तरफ देख रहे। क्या बात हुई ना तो इन्होंने समझा, ना बात हुई श्री प्रभु बाबा जी के प्रवृत्ति में क्या बात सामने आई। श्री प्रभु बाबा जी ने कह दिया कि चलो उठ जा, देखो ये मुख्य यजमान था, उस गांव में सबसे बड़ा भगत था और उसने ही श्री प्रभु बाबा जी को लाया हुआ था। ऐसे में सुअवसर चल रहा था, सब विधियों के साथ श्री प्रभु बाबा जी की पूजा चल रही थी, ऐसा अवसर कौन सा छोड़ सकता है, छोड़ता है। तो दामूर्त जी बैठे रहा, श्री प्रभु बाबा जी की प्रवृत्ति कुछ अलग सी थी। श्री प्रभु बाबा जी ने एक बार कहा आप उठ जाओ यहां से, एक दो बार कहने के बाद ही नहीं उठ पाया तो स्वामी जी ने क्या किया, साथ में नारियल था, जोर से लगा के दामूर्त के सिर पर मार दिया। इतनी जोर से के जोर के साथ दामूर्त को श्री प्रभु बाबा जी ने वो नारियल फेंक के मारा कि यहां तक वो सिर में बैठने से पस फूल गया। वो तो हैरान हो गए, दामूर्त तो छोड़ो बाकी भक्त सब हैरान हो गए। या तो यहां भी नौ बता गए, रिद्धपुर से हम यहाँ लेके आए श्री गुरु बाबा जी को और यहाँ भी ऐसी कुछ नौबत बना दी उन्होंने, यहाँ भी कुछ अब काम ठीक नहीं रहा। बस दामोदर जी उड़ गए चल गए, भक्त तो हैरान हो गए कि अब श्री गुरु बाबा जी को कौन बोले, उनको बोलना तो